अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप, और मैं इसे मायोनीज़ के साथ सर्व करूंगी। और मैंने इसे गैस पर ही बनाया है, इसे असल में बारबेक्यू पर बनाया जाता है। मैं यहाँ पर गैस पर ही बनाकर बताऊंगी आपको किस तरह बनाएं। यहाँ पर मैंने मटन चॉप्स ले लिया है, उसे मसाले लगा लिया है। वो वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है, मैं आपको बता दूँगी उसमें क्या क्या डालना है। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने यहाँ पर, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून दही डाला है, और धरधरी कुटी हुई लाल मिर्च डाला है 1/2 टीस्पून, धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून। मैंने गोश्त को अच्छी तरह मसाले लगा कर 2 से 4 घंटे के लिए उसे फ्रीज़र में रखा था और अच्छी तरह मैरिनेट किया है मैंने। ये देखिए, अब मैं पैन लूँगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और हम जो गोश्त रखा था मैरिनेट करके वो गोश्त हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए, मैं इसे यहाँ पर 25 से 30 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ढक कर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह पका लूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर चेक करने के लिए देखा है, इसमें पानी अभी थोड़ा सा है और थोड़ी देर रखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, पानी अच्छी तरह सूख चुका है। अब मैं यहाँ पर गोश्त को चेक कर लूँगी। ये देखिए, पानी सूखने लगा है और मैं यहाँ पर गोश्त तोड़कर आपको बता रही हूँ, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, उसी पे हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच ऑयल लूँगी, उसे अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। जो हमने मटन चॉप्स गला कर रख लिया है वो मटन चॉप्स ऐड करूंगी मैं यहाँ पर। मैंने इसलिए गलाया है कि ताकि अच्छी तरह गल जाए गोश्त, इसीलिए मैंने वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया है गोश्त अच्छी तरह गलने के लिए। आप बारबेक्यू पे बनाते हैं तो डायरेक्ट वैसे ही रख सकते हैं, उसी में अच्छी तरह गल जाएगा कोयले पर। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे हल्के से पलट लूँगी और मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखूँगी। ये देखिए, एक साइड से मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मटन चॉप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक फॉइल की छोटी सी कटोरी बना लिया है। ये देखिए, माशाल्लाह मटन चॉप्स रेडी हो गए हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम बनकर तैयार होगी आपकी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।